Good evening. Take out page number 19, Unit 3 Festivals, the color of human life. Activity 1 Pre task. We all love festivals. Festivals break monotony and they add color to our routine lives. Festivals are occasions to celebrate some natural phenomena, season. हिस्टोरिकल सोशल पॉलिटिकल, एनवायरमेंटल पर्सनल कल्चरल ट्रेडिशनल और एग्रीकल्चरल सिग्निफिकेंस वेरियस डेज ऑफ इम्पोर्टेंस फ्रॉम लोकल टू इंटरनेशनल लेवल्स आर सेलिब्रेटेड थ्रूआउट ईयर। यानी कि हम सबको पता है कि फेस्टिवल्स क्या होते हैं बहुत अच्छे होते हैं और हमें अच्छे लगते हैं वी ऑल लव फेस्टिवल्स और दूसरी चीज़ है कि फेस्टिवल आने से क्या होता है हम जो रोज़ काम करते हैं उसमें एक ब्रेक मिलता है यानी कि हम रोज स्कूल जाते हैं या ऑफिस जाते हैं कुछ भी काम करते हैं राइट मगर फेस्टिवल के दिन क्या होता है छुट्टी होती है उस दिन हम घर पे होते और सेलिब्रेट करते हैं उससे क्या होता है जो हम रोज काम करते हैं उससे ब्रेक भी मिलता है और हमारा रूटीन चेंज होता है उस दिन अब फेस्टिवल्स बहुत तरीके तरिक, तरीके के होते हैं जैसे फिनोमिना यानि कि कुछ होता है तो हम फेस्टिवल मनाते हैं सीजन कोई सीजन आती है तो सीजन के अकॉर्डिंग हम कोई फेस्टिवल मनाते हैं हिस्टोरिकल यानी कि हमारे हिस्ट्री में कोई घटना ऑलरेडी घट चुकी है।, है ना आगे उसके हिसाब से हम क्या करते हैं फेस्टिवल मनाते हैं कोई सोशल होता है कोई पॉलिटिकल होता है कोई एनवायरमेंटल होता है कोई पर्सनल कल्चरल ट्रेडिशनल और को, कोई एग्रीकल्चर फेस्टिवल होता है हमारे इंडिया में क्या है बहुत अलग अलग टाइप के फेस्टिवल्स हैं है ना हिंदू के अलग मुस्लिम के अलग क्रिश्चियंस के अलग अगर क्रॉप्स एग्रीकल्चर किया है तो काटने से पहले क्रॉप्स यानी कि अनाज अनाज काटने से पहले हम कुछ फेस्टिवल मनाते हैं उसके बाद करते हैं है ना सीजन चेंज होती है तब हम फेस्टिवल मनाते हैं वो ऐसे वो बहुत तरीके से हम क्या करते हैं फेस्टिवल्स मनाते हैं यानी कि यहाँ पे लोकल यानी कि गली गली में जो फेस्टिवल्स होते हैं वहाँ से लेके इंटरनेशनल ले इंटरनेशनल कि पूरे देश के अंदर भी क्या देश और बाहर के देश जो विदेश है वहाँ पे भी क्या करते हैं फेस्टिवल मनाए जाते हैं मतलब अगर हम लिस्ट बनाएं फेस्टिवल्स की तो क्या है बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं जो हमारे देश में और विदेश में भी मनाए जाते हैं नाउ नेक्स्ट ए वर्क इन पेयर्स लुक एट द फॉलोइंग इमेज एंड प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन आस्क अंडर ईच पिक्चर फॉर एग्जाम्पल नेम ऑफ फेस्टिवल डे डे ऑफ सेलिब्रेशन टाइप ऑफ फेस्टिवल्स प्लेसेस ऑफ सेलिब्रेशन एंड सिग्निफिकेंस फर्स्ट इज गिवन एज एन एग्जाम्पल डू द रेस्ट ऑफ आइटम्स यानी कि यहाँ पे बहुत सारे पिक्चर्स दिए गए होंगे उसमें से हमें क्या करना है वो कब मनाया जाता है किस दिन मनाया जाता है फिर वो कौन सी जगह पर मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है वो आपको लिखना है और उसने एक एग्जाम्पल दिया है तो हम फर्स्ट पिक्चर देखते हैं फर्स्ट फेस्टिवल आपको क्या दिखाई दे रहा है फ्लैग होस्टिंग वाला राइट फ्लैग फ्लैग होस्टिंग यानी कि फिफ्टीन अगस्त अब हम नीचे देखते हैं नेम ऑफ फेस्टिवल क्या है इंडिपेंडेंस डे वो कब मनाया जाता है डे ऑफ सेलिब्रेशन फिफ्टीन अगस्त को टाइप ऑफ फेस्टिवल नेशनल फेस्टिवल यानी कि हमारे पूरे देश में मनाया जाता है ये इसलिए कौन सा टाइप है नेशनल फेस्टिवल प्लेस ऑफ सेलिब्रेशंस अब कौन सी जगह पर मनाया जाता है ऑल ओवर इंडिया यानी कि पूरे इंडिया के अंदर सिग्निफिकेंस ये क्यों मनाया जाता है इंडिया गॉट फ्रीडम ऑन फिफ्टीन अगस्त नाइनटीन फोर्टी सेवन यानी कि इस दिन हमें क्या मिला था फ्रीडम यानी कि आजादी मिली थी फिफ्टीन अगस्त नाइनटीन फोर्टी सेवन के दिन हमें आजादी मिली थी इसलिए हम इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं नाउ टेक आउट पेज नंबर ट्वेंटी कैन सी सम पिक्चर्स हमें यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है पिक्चर्स और इन, उसकी इंफॉर्मेशन हमें फिलअप करनी है फर्स्ट एग्जाम्पल हमने कौन सा देखा फिफ्टीन अगस्त। वो ऑलरेडी किया हुआ था मगर ये क्या है ब्लैंक है आपको क्या करना पड़ेगा ब्लैंक्स लिखनी पड़ेगी सो फर्स्ट पिक्चर इज जन्माष्टमी राइट सो लेट अस सी नेम ऑफ फेस्टिवल जन्माष्टमी डे ऑफ सेलिब्रेशन ट्वेल्थ ऑगस्ट 2020 यानी कि ऐसे तो ये अलग अलग डेट पे आता है मगर ये साल 2020 की हम बात करेंगे इस बार तो ये कब आया था ट्वेल्थ अगस्त 2020 यानी कि अभी तो आने वाला है अभी जुलाई चल रहा है ना उसके बाद क्या आएगा अगस्त तो ट्वेल्थ अगस्त को क्या है जन्माष्टमी टाइप ऑफ फेस्टिवल ये कैसा टाइप है रिलीजियस टाइप प्लेसेस ऑफ सेलिब्रेशन अब ये कहां पर मनाया जाता है ऑल ओवर इंडिया यानी कि पूरे भारत के अंदर ये मनाया जाता है है सिग्निफिकेंस ये क्यों मनाया जाता है बर्थडे ऑफ लॉर्ड कृष्णा क्योंकि इस दिन क्या हुआ था लॉर्ड कृष्णा का जन्म हुआ था नाउ नेक्स्ट नेक्स्ट इज होली लेट सी नेम ऑफ फेस्टिवल होली डे ऑफ सेलिब्रेशन 9 मार्च 2020 अब यह कब मनाया गया था 9 मार्च को यानी कि ये ऑलरेडी खत्म हो चुका है है ना हमें नाइन मार्च को ऑलरेडी होली मना ली थी टाइप ऑफ फेस्टिवल रिलीजियस प्लेस ऑफ सेलिब्रेशन अब ये कहां पर मनाया जाता है ऑल ओवर इंडिया सिग्निफिकेंस इसका सिग्निफिकेंस क्या है ये क्यों मनाया जाता है विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल यानी कि कुछ बुरा हुआ था उस पर अच्छाई की विजय हुई थी यानी कि क्या हुआ था हिरणा कश्यपुल जो था वो क्या था एक राक्षस था उसका अंत किसने किया था होली का ने है ना तो इसलिए यह फेस्टिवल मनाया जाता है तो उसका सिग्निफिकेंस क्या है विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल नाउ लेट्स सी द पिक्चर नंबर थ्री थर्ड पिक्चर इज ईद राइट ईद आप ईद मनाते हो ना उसका पिक्चर है नेम ऑफ फेस्टिवल ईद डे ऑफ सेलिब्रेशन 23 May 2020 यानी कि आपने ऑलरेडी 23 मई को क्या किया था ईद मनाई थी टाइप ऑफ फेस्टिवल रिलीजियस फेस्टिवल प्लेस ऑफ सेलिब्रेशन ऑल ओवर इंडिया ये कहाँ मनाया जाता है पूरे देश में जो पूरे देश के जितने भी मुस्लिम्स लोग हैं वो क्या मनाते हैं ईद मनाते हैं अब सिग्निफिकेंस ये क्यों मनाया जाता है ड्यू टू ड्यू टू एंड मंथ ऑफ रमजान फास्टिंग मंथ ऑफ मुस्लिम यानी कि जब रमजान महीना खत्म होता है जिस दिन आप क्या करते हो उपवास करते हो, है ना? जब यह पूरा होता है उसके दूसरे दिन क्या मनाते हैं ईद मनाते हैं राइट द नेम ऑफ द फेस्टिवल इज दशहरा डे ऑफ सेलिब्रेशन ट्वेंटी फाइव ऑक्टोबर टू थाउजेंड ट्वेंटी यानी कि अब आने वाला है अक्टूबर में है ना 25 अक्टूबर 2020 में टाइप ऑफ फेस्टिवल रिलीजियस फेस्टिवल प्लेस ऑफ सेलिब्रेशन प्लेस ऑफ़ सेलिब्रेशन ऑल ओवर इंडिया ये कहां पर माना जाता है पूरे भारत में सिग्निफिकेंस इसका सिग्निफिकेंस क्या है विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल यानी कि इसमें भी क्या है बुराई के ऊपर अच्छे की विजय हुई थी जैसे कि जो रावण था वो क्या उसने क्या किया था सीता माता का अपहरण किया था और फिर राम ने क्या किया था रावण को एंड कर दिया था यानी कि उसको खत्म कर दिया था मार दिया था इसलिए ये फेस्टिवल मनाया जाता है राइट नाउ लेट सी पेज नंबर ट्वेंटी वन पिक्चर नंबर फिफ्थ इस वैसाखी नेम ऑफ फेस्टिवल वैसाखी डे ऑफ सेलिब्रेशन थर्टीन अप्रैल टू थाउजेंड ट्वेंटी यानी कि ये ऑलरेडी क्या हुआ था जा चुका है राइट right? अब टाइप ऑफ फेस्टिवल हार्वेस्ट फेस्टिवल हार्वेस्ट यानी कि जब अनाज को काटा जाता है उसे क्या कहते हैं हार्वेस्ट ये क्या है हार्वेस्ट फेस्टिवल प्लेस ऑफ सेलिब्रेशन कहां पर, पर मनाया जाता है पंजाब में सिग्निफिकेंस स्प्रिंग हार्वेस्ट फेस्टिवल हार। यानी कि जब स्प्रिंग में जो क्रॉप्स होते हैं अनाज उगता है उसे क्या करते हैं उस दिन काटा जाता है और इसलिए यह फेस्टिवल वहाँ पे पंजाब में मनाया जाता है पिक्चर नंबर सिक्स इज दुर्गा पूजा नेम ऑफ फेस्टिवल दुर्गा पूजा डे ऑफ सेलिब्रेशन ट्वेंटी टू ट्वेंटी सिक्स अक्टूबर 2020 ट्वेंटी यानी कि बाईस अक्टूबर से लेकर छब्बीस अक्टूबर तक ये मनाया जाता है अब अभी, अभी आएगा अभी तक ऑलरेडी मनाया नहीं है कब आएगा अक्टूबर में 22 टू 26 type of festival religious festival places of celebration ये कहाँ कहाँ मनाया जाता है आसाम, बिहार वेस्ट बंगाल ऐसे बहुत सारे जो है जगह पर मनाया जाता है इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स में मनाया जाता है मैंने यहाँ पे जगह नहीं थी इसलिए मैंने क्या लिखा है सिर्फ आसाम, बिहार और वेस्ट बंगाल सिग्निफिकेंस ये क्यों मनाया जाता है विक्ट्री ऑफ गॉडेस दुर्गा ओवर डेमन यानी कि जो दुर्गा माता थी उसने क्या किया था राक्षस को मारा था इसलिए दुर्गा पूजा मनाया जाता है नाउ बी वर्क इन ग्रुप्स एंड फाइंड आउट सुटेबल एक्सप्रेशन ऑफ ग्रीटिंग बेस्ड ऑन द ओकेजन रिस्पॉन्ड इन द ब्लैंक्स गिवन इन द फॉलोइंग टेबल एंड एग्जाम्पल इज गिवन फॉर यू यानी कि आपको क्या करना है कौन से दिन को हम क्या करके विस करते हैं है ना वो आपको लिखना है फर्स्ट है ओकेजन और सेकेंड बॉक्स में है रिलेटेड एक्सप्रेशन हैप्पी बर्थडे अगर किसी की बर्थडे है बर्थडे सेलिब्रेशन तो हम क्या लिखते हैं मैनी मैनी हैप्पी डे और हैप्पी बर्थडे राइट नंबर टू है वेडिंग सेलिब्रेशन और मैरिज एनिवर्सरी अगर किसी की शादी हुई है और एक साल पूरा हो गया है तो हम कैसे विश करते हैं उसको हैप्पी वेडिंग या तो हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी या तो हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी कह के राइट गुड रिजल्ट इन एग्जाम अगर किसी का रिजल्ट अच्छा आया है एग्जाम में तो हम क्या कहते हैं उसको कॉन्ग्रेजुलेशंस कॉन्ग्रेचुलेशंस देन नेक्स्ट इज प्रमोशन इन जॉब अगर किसी के जॉब में प्रमोशन मिला है है ना वो आगे बढ़ा है जॉब में तो हम उसको कैसे विश करते हैं कॉन्ग्रेजुलेशन इसमें भी हम क्या कहते हैं कॉन्ग्रेचुलेस है ना रिलेटिव इज सिक अगर कोई बीमार हुआ है कोई बीमार है हम उसको मिलने जाते हैं तो हम क्या कहते हैं गेट वेल सून या तो टेक केयर है ना हम क्या कहते हैं जल्दी अच्छे हो जाना और ठीक हो जाना तो इंग्लिश में क्या हम क्या बोलेंगे गेट वेल सून या तो टेक केयर मदर्स डे जब मदर मदर्स डे सेलिब्रेशन होता है तो हम कैसे विश करते हैं मम्मी को हैप्पी मदर्स डे है ना? नाउ here we have finished it so here our period is complete and other activity of this lesson we will see in next period in second part